ये दुश्मन विश्वन ऐसा कुछ नहीं है, जो रॉन्ग साइड जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज एप के। शिल्पाटा सर्कल पर मुक्ति थाना में ट्रैफिक का जो हॉकर्स है वो रोड पर लगाते हैं, कुछ लोग उसी रोड के ऊपर सर्विस सेक्टर चलाते हैं और वो सर्विस सेक्टर का पानी रोड पर छोड़ते हैं। आज हम शिल्पाटा सर्कल पे आए हुए किस तरह से यहाँ पर देखिए, कुछ गरीब लोग भी है, अपना व्यवसाय करते हैं और फुटपाथ कहाँ पर है, रोड के ऊपर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है। कितने साल से यहाँ पर धंधा लगा रहा है? 5 साल से लगा रहा है। तो रोड के ऊपर धंधा लगाएगा कि फुटपाथ पे लगाएगा? ये रोड नहीं है, ये तो फुटपाथ उधर है। इनका कहना है ये रोड पे नहीं है बेटा, 5 साल से लगा रहा है और 10 साल लगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रोड छोड़ के लगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये फुटपाथ है, उसको ये पता नहीं ये फुटपाथ छोड़कर रोड आता है। खैर कोई बात नहीं, देखिए पानी का कैसा इंतजाम किया गया है। अब ये नाले के अंदर इनका पानी जाएगा, रोड के ऊपर पानी नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पर काम करते दिखा है। हम सर्विस सेंटर भाई से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये मट्टी किसने लाके डाला यहाँ पर रोड के ऊपर, ये जो मट्टी है क्या कोई लोगों ने लाके डाला है कि अपने ही है? तो अब इसका आप व्यवस्था कर रहे हो? कल हट जाएगा। हमें सूचना मिली थी कि सर्विस सेंटर वाले के जो मट्टी है, जो पानी है, इसके लिए अभी सर्विस सेंटर वाले साहब एकदम अलर्ट हो गए है, कल के कल यहाँ पर ये पूरा। अस्सलाम वालेकुम बीबी, हम इस शहर के अंदर सस्ता प्रोडक्ट दिखाएंगे, महंगा बेचने के लिए लोग है ना। इस बिल्डिंग के बारे में नदीम मेमन क्या ऑफर लाई है? ये प्रोजेक्ट का नाम है क्राउन रेसिडेंसी, ये पूरे मुमरा में वर्ल्ड फेमस है। इसका जो लॉन्च ऑलमोस्ट 2021 को हुआ था, जिसमें हमने 23 लाख में पूरा पैकेज रखा था। हम लोग ने इस प्रोजेक्ट को नियर टू पोजिशन तक ले चुका है। अगर आप बैकग्राउंड में दिखाओगे ना, ये ए विंग है, बी विंग एंड सी विंग, 80-85% वर्क इज कम्प्लीटेड। इसके बीच में जो आएगा पोडियम गार्डन आएगा। तो पापा का नागा का जो चैनल है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल करंट सिचुएशन के हिसाब से फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर जो ऑफर चल रहा है उसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST फ्री है। बट ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, अब 1 साल के बाद कोई वीडियो देखकर आएगा भाई आपने फ्री बोले थे, तो वैलिड नहीं होगा। इसका जो लास्ट डेट होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो होगा ये मंथ एंड या बहुत बहुत 5 तारीख होगी। ये मुमरा शहर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है भाई, आपका नाम सुना था मार्केट में, इसके लिए मैं मिलने के लिए आया हूँ। और मेरे चाहने वालों को यही कहूंगा, कोई जनता लेती है आपसे तुमको क्या फैसिलिटी मिलती है, जैसे मेरे थ्रू यहाँ पर आते हैं आपके पास प्रोजेक्ट के लिए, तो आप क्या फैसिलिटी दोगे उनको, क्या चीज दोगे? इनके थ्रू फायदा तो ये है कि सबसे पहली चीज तो ये प्रोजेक्ट ही सस्ता है, 30-31 लाख का आपको पड़ रहा है। लेकिन अगर इनके थ्रू कोई आता है तो मैं उनके लिए, अगर अतुल दबंग भाई ये पापा का नगर ये कोड को यूज करता है तो उनके लिए स्पेशल ऑफर में ये दूंगा कि उनका बेसिक फ्लैट कॉस्ट होगा 28,49,000 का, उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST आइदर ही 50% होगा। अगर बिफोर टाइम अगर ये ले लेते हैं तो उनको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST फ्री हो सकता है। दो ऑफर है, या तो 50% उनको पे करना पड़ेगा या तो उनको फ्री मिल जाएगा, बट वो डिपेंड करता है आपके चैनल के माध्यम से अगर लोग आते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, इससे सस्ता और कहाँ, दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और आप विजिट कीजिए। ऑफर जो है वैलिड ये नेक्स्ट मंथ की 5th of December तक है, 5th December से पहले बुकिंग करेंगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST फ्री मिलेगा। और अगर आप कोड डालोगे पापा का नाका या अतुल दबंग करके तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये मैं बोला था, बाकी सबके लिए ये ऑफर नहीं रहेगा। तो दोस्तों चाहने वालों आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को और प्लीज करके यहाँ आके विजिट कीजिए। भाईजान ने बता दिया कि यहाँ पर कम से कम चीज में आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी, तो कोड नंबर तो याद करिए, दिमाग में रखिए प्लीज करके, और यहाँ पर विजिट कीजिए। इससे सस्ता और कहाँ, देखिए टायर वाले भाई है क्या, इनका यही कहना होगा कि रोड तक अगर नहीं लगाएंगे तो हमारे पास ग्राहक नहीं आएगा। मापे तक यहाँ पर ट्रैफिक होती है, इस तरह से लोगों को पैदल जाना पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है। देखो यहाँ पर फुटपाथ क्लियर नहीं किया गया, टायर है टायर लाके रोड पे लगा देते। यदि ये लोग अपना सही व्यापार करेंगे, फुटपाथ छोड़ेंगे, रोड छोड़ेंगे, फुटपाथ आता है महानगर पालिका के अंदर और रोड आता है ट्रैफिक विभाग के अंदर। क्या नाम है तुम्हारा? मकसूद। कितने साल से यहाँ पर धंधा लगा रहे हो? 7 साल। 7 साल से लगा रहे हो, यहाँ पर लगाने का अधिकार है, रोड पे, फुटपाथ पे या कहीं और? जहाँ मिला तहाँ लगा लिया। 7 साल से आपको कभी म्युनिसिपैलिटी का पैसा भरे? क्यों, कभी है जो भरे? कभी भरे जो अच्छा अच्छा
तो कभी हटाओगे? ये ट्रैफिक जाम हो रही है यहाँ पर, 7 साल से आप यहाँ पर हो, ऐसे चल रहेगा अंदर नगरी चौपड़ राज? अभी ये जो ट्रैफिक होती है आप अगर हटा लेंगे 2-4 बाइक जाएगी यहाँ से, 7 साल से आपको कोई भूलने नहीं आया ना? नहीं आया। मुमरा शहर के अंदर, शिल्पाटा शहर के अंदर 7 साल से इनको कोई भूलने नहीं आया। तो देखिए किस तरह से ये यहाँ पर ट्रैफिक करके रखते हैं। अब उम्मीद है अब ये जागेंगे, कल से थोड़ा सा पीछे आएंगे, क्योंकि ये अधिकार नहीं है रोड के ऊपर कारोबार करने का, ये अधिकार नहीं है लोगों को परेशान करने का। टू व्हीलर वाले यहाँ से जा सकते हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए यहाँ पर, ना मापे तक यहाँ पर पूरा लाइन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर धंधा लगाने वाले बाज नहीं आते, क्योंकि अगर हम इनसे बोलते हैं हटाओ तो ये नहीं मानेंगे। इनको ना शायद कोई गुंडा वगैरह यहाँ पर सपोर्ट करता होगा। यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ पर वापर ना करें, ये बाइक वाले यहाँ से नहीं जावे, इसके लिए जानबूझ के ये लगा लगाया गया यहाँ पर ट्रैफिक जाम रेस, इसमें इनको सोचना चाहिए। ये बाइक वाले तुम्हारे सीने पे नहीं जा रहे, इनका भी अधिकार है ट्रैफिक के अंदर, ये भी चल सकते, लेकिन ये जानबूझ कर उन्होंने ये रखा है, नहीं जाना चाहिए। रास्ता बंद करने वाले का ना जिंदगी तंग हो जाती है, रास्ता तंग नहीं करना चाहिए, लोगों को आने जाने की रास्ता है। अभी यहाँ पर इन्होंने ये बंद करके रखा है, यहाँ से लोग आ जा सकते हैं, यहाँ पर वो कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर फोर व्हीलर क्यों खड़ी होती है, क्योंकि उससे पहले हाथ गाड़ी लगी हुई है, उनको इशारा चाहिए रोकने का, तो वो हाथ गाड़ी वाले से भी हम बात करेंगे। कितने साल से धंधा लगा रहे? मैं काम करता हूँ। रोक पे लगाना चाहिए, ट्रैफिक जाम होती कि नहीं? कुछ थोड़ी बहुत होती है ना। ये देखिए ये काउंटर यहाँ पर लगाया गया है बाहर, और क्यों लगाया गया उसकी भी हम सच्चाई जानेंगे ये दुकानदार मालिक से, क्यों लगाया यहाँ पर? फोर व्हीलर वाले पार्किंग करते हैं यहाँ पर इसके लिए। देखिए यहाँ पर दूसरी वजह मालूम पड़ी है कि इतने एक फीट का जो काउंटर लगाया है यहाँ पर, दबा के फोर व्हीलर वाले लगा देंगे, इसके लिए उन्होंने लगाया है यहाँ पर। ये फ्रूट वाले हैं, काफी साल से यहाँ पर धंधा लगा रहे हैं, ठीक है, और अभी इनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं मिला इसके लिए, लेकिन नमाज के पाबंद है, अभी ये नमाज को गए। वो इस रोड पर ये पत्थर भी जानबूझ के रखे जाते हैं, ताकि यहाँ से कोई टू व्हीलर वाला न जा सके, न थ्री व्हीलर वाला जा सके, न फोर व्हीलर वाला जा सके, इसको हटाया जाए, यही हम ट्रैफिक विभाग से रिक्वेस्ट करते हैं। कोई चीज खराब हो जाए, कोई चीज जल के राख हो जाए, उसके बाद उसको रोड पे छोड़ दो, ताकि आगे उसके धंधा लगा सके। बेटा क्या नाम है तेरा? सागर। कितने साल से धंधा लगा रहे यहाँ पर? जल्दी लगा रहा। कितना मतलब, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, एक साल हुआ? एक साल हो गया। नहीं, साल भाई क्या नाम है तुम्हारा? समीर अहमद। समीर अहमद जी कितने साल से लगा रहे हो? एक हफ्ता हुआ। अभी ये ट्रैफिक जाम होती है तो कैसा करेंगे आप, इसको हटाना पसंद करेंगे कि कंटिन्यूस यही लगाते रहेंगे? जल्द से जल्द हटा लेंगे आप। यहाँ पर टोरेंट कंपनी का ट्रांसफर लगा हुआ है, कैबिन लगा हुआ है, इसके बाद में आगे की जगह जो होती है उसको अपने इस्तेमाल में लेते हैं धंधे वाले हॉकर्स। किस तरह से देखे वो यहाँ पर इन्होंने अपना राह गुजर कर रहे हैं, जबकि उनको फुटपाथ छोड़ के लगाना चाहिए, उन्होंने नहीं लगाया है। ये शिल्पाटा सर्कल का टर्न है, यहाँ पर किस तरह से खुला रहना चाहिए, पब्लिक को आने जाने का रास्ता है, यहाँ पर रोड पे इन्होंने लगाया है। और देखिए यहाँ पर एक दुकान लगी हुई है, वो भी फुटपाथ के ऊपर लगी हुई है। किस तरह से देखिए यहाँ से पूरा टर्न है शिल्पाटा सर्कल, कितना ट्रैफिक में लोग परेशान हो जाते हैं, किस तरह से ट्रैफिक जाम के अंदर मुमरा ट्रैफिक इंचार्ज सुरेश खेड़ेकर जी काम करते हैं, उसका जीता जाता नमूना दे रहे हैं। ये भाई साहब आए हुए हैं यहाँ पर रॉन्ग साइड से, आइए हम उनकी गाड़ी दिखाते हैं किस तरह से। ये देखिए उनकी गाड़ी है, और ये महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगाए हुए, और कितना ये दुरुपयोग कर रहे हैं इस शहर के अंदर, वो साहब लोग के सामने भी यहाँ से क्रॉस करके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर रॉन्ग साइड जो लोग आ रहे हैं उनको वो बता रहे हैं कि आप लोग रिटर्न जाइए, ट्रैफिक ना हो। तो किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रोड पर उतरते हैं ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी, और कुछ दबंगई से कुछ ड्राइवर रहते हैं, महाराष्ट्र शासन के बोर्ड लगाया हुआ है ये गाड़ी वालों ने, इनको अगर रोका है ट्रैफिक विभाग ने तो कौन सा गलत किया, क्या गलत किया? किस तरह से देखिए ट्रैफिक के कर्मचारी अपनी मेहनत कर रहे हैं, रॉन्ग साइड आ रहे हैं, और ट्रैफिक के
जो रूल्स है उसको नहीं फॉलो करते हुए किस तरह से, देखिए मैडम जा रही है अपने टेबल सीट जा रही है, हम दिखाना चाहेंगे बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं, उसके बाद में जब ट्रैफिक विभाग कार्रवाई करता है तो उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं तो ट्रैफिक विभाग की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक होती है। तो ये कौन सा रूल्स है? यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड से लोग आते हैं और इस तरह से इनको सामना करना पड़ता है। सीनियर इंचार्ज से भी बात करेंगे किस तरह से लोग इनको तकलीफ देते हैं और क्या क्या इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। साहब आप तो रोटनी विभाग में भेजा पहले एकदम गुप्त राउंड मारते हो। पीटर मोबाइल है, पीटर ट्रैफिक मोबाइल है, ये अपना एस्कॉर्ट के लिए और पायलटिंग के लिए ये वार्निंग कर रहा है। कुछ कंट्रोल नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं। इतना जल्दी मालूम कैसे पड़ जाता है आपको? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ ट्रैफिक कार्रवाई करने के लिए मेरे जो अमलदार लोग कार्रवाई करते हैं, हमेशा कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करें उनको तकलीफ होता है कार्रवाई करने के लिए, इसीलिए मैं सपोर्ट करने के लिए इधर आता हूँ। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप सबसे बड़े दुश्मन है, आप रॉन्ग साइड से लोगों को नहीं जाने देते? नहीं नहीं नहीं, ये दुश्मन विश्वन ऐसा कुछ नहीं है, जो रॉन्ग साइड जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड जाते हैं ना इसीलिए ट्रैफिक जाम होती है। अभी ये MIDC रोड है, कल्याण फाटा से पूजा पंजाब MIDC रोड है, वहाँ बुलेट ट्रेन का और MIDC पाइपलाइन का प्रोजेक्ट आगे होने वाला है, इसलिए उधर ट्रायल रन मतलब ट्रायल ले रहे बैरिकेड्स लगा के, 300 मीटर बैरिकेड्स लगा के ट्रायल ले रहे, इसलिए सब जगह ट्रैफिक हो रही है। अभी क्या बात विवाद हुआ ये फोर व्हीलर वाले से? फोर व्हीलर है ये H01BG7147 जो गाड़ी है, उन्होंने महाराष्ट्र शासन लगाया वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत वो गलत है, वो कानूनी अपराध है और काला काच वो ये दोनों और रॉन्ग साइड तीन वायलेंस मतलब मोटर व्हीकल एक्ट किया है, उसके ऊपर हम कार्रवाई। दबंग नहीं क्या कर रहे थे वो? वो जरा आवाज चढ़ा के। कौन सा आवाज है, मतलब कौन सा आवाज है? हम है, हम हम, हम है क्या? हम है महाराष्ट्र शासन, मैं बोला महाराष्ट्र शासन का खासगी गाड़ी के ऊपर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगा नहीं सकते, पार्टी लगा नहीं सकते और वो गलत है, रॉन्ग साइड नहीं जा सकते। तो अभी सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, कोई भी हो वो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये थे ट्रैफिक इंचार्ज मुमरा शहर से, किस तरह से अपना काम करते हैं रोड के ऊपर दिखते हैं। देखिए अभी इनको यहाँ पर सूचना मिली थी किस तरह से कौन सा काम करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, और यहीं पर उन्होंने बताया कि कितने लोगों को तकलीफ होती है और क्या क्या उनको देखना पड़ता है। देखिए इतना परेशान हो गए सब लोग कि रॉन्ग साइड से जाते हैं बेचारे अपना वक्त पे पहुंचने के लिए। ये भाई साहब हमारे पैदल बैग लेके जा रहे हैं, उनको सफर करने में कितनी तकलीफ हो रही है, ना उनको थ्री व्हीलर मिल रहा है, ना किसी का फोर व्हीलर का इंतजाम है, ना बस आ रही है समय के ऊपर। तो यही है ट्रैफिक का मतलब, यही होता है रॉन्ग साइड से लोग नहीं आ पाते, यही मकसद है कि रॉन्ग साइड ना चले। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ 8।